अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग हैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एम टी एस 301 का लेक्चर नंबर 14, एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो लेक्चर शुरू करने से पहले से आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सारे में चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो वो आप लोग को टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो पूरी एंड तक के देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो लेक्चर नंबर 14 है एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसमें क्या देखें, आगे के तीन लेक्चर जो हैं वो इसी के हैं, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा। लेक्चर नंबर 14 में जो है सिर्फ थ्योरी बताई गई है, देख लेते हैं। तो ये बताया एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, नाम से ही लग रहा है मैक्सिमम का मतलब क्या है, यानी कोई चीज़ ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फाइंडिंग द हाइस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो द टॉप ऑफ द हिल्स आर रिलेटिव मैक्सिमम, यानी टॉप ऑफ द हिल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम। इसी तरीके से क्या बोलेंगे, बॉटम ऑफ द वैली आर कॉल्ड रिलेटिव मिनिमम। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, ठीक है। अगर टॉप होगा तो क्या मैक्सिमम, और अगर नीचे फर्स्ट के सबसे आखिर में क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ये तो हो गया मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, देखें एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये होता है कि इसमें आपको कह रहा है एफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू दी गई होगी आपको उसमें एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। और उसके अंदर एक ऐसे पॉइंट होगा जो कि ये डी शो कर रहा है, ठीक है। देखें आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, देखें ए बी डी सी, ठीक है, ए बी डी सी। अब ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, या वैल्यू है एक्स वाई, ठीक है। अब एक पॉइंट होगा डी का, ठीक है, उस पर ये पॉइंट जो है हाइस्ट जा रहा होगा, ठीक है। एक वैल्यू आएगी, ठीक है, डी की, यानी सपोज करें डी एक वैल्यू आएगी इस ग्राफ के अंदर, क्योंकि वो शो कर रही होगी आगे आपको पीक की पॉइंट शो कर रही है, यानी मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहा होगा। देखिए अगर ग्राफ देखिए यहाँ पर एक वैल्यू जा रही है तो उसको बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हो गया, इस पल्स में ये बताया गया। इसी तरीके से अगर आप आगे आएँ एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा कि एक वैल्यू जो है वो उसके अगर करें एंड में अगर जा रही है पीक में ए बी सी डी है डी है तो वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव मिनिमम हो जाएगी, यानी सबसे मिनिमम पॉइंट के सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। यानी एफ डी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एफ डी ग्रेटर देन एफ एक्स यानी रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है। अब आप देखें रिलेटिव एक्सट्रीम एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम ये क्या होता है, तो ये और ये देखें नाम एक ही है, रिलेटिव लोकल मिनिमम कह लें या फिर आप इसको अब ये बोलना है। इसमें क्या होता है, रिलेटिव लोकल मिनिमम और रिलेटिव लोकल मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, आप देखें इसमें देखें ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो आप देखें ये हमारा तो देखें एक ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ग्राफ जा रहा है। अब इसका जो पीक पॉइंट है ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। अब इसका जो लोएस्ट पॉइंट है ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें अगर मैं एक पार्टिकुलर हिस्से को मैं ले लूँ, फर्स्ट करें अगर ये एक हिस्सा है, ठीक है, सब पहले सिर्फ सपोज कर ले जहाँ पर सिर्फ ये एक वैल्यू है, ये नहीं है, तो इसके अंदर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिव मैक्सिमम हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो वैसे इसकी हाईएस्ट वैल्यू इसकी नहीं है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसकी है, लेकिन अगर आप सपोज कर लें कि ये एक पार्ट है सिर्फ इसी के अंदर, तो ये क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ये सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में ये क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम में अगर इसका अपोजिट कर दें, अगर एक ग्राफ नीचे लोअर की तरफ जा रहा है तो इसका लोअर जो एक पॉइंट होगा वो क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर हिस्से के मुकाबले में उसको बोलेंगे रिलेटिव मिनिमम है, ठीक है। चारों पॉइंट को रहते हुए हमारे एक पॉइंट सपोज कर लेंगे तो हम बोलेंगे रिलेटिव मैक्सिमम है ये पॉइंट, ठीक है। सिंपल रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम ये होता है, ठीक है। तो ज़रा एक मतलब अगर सरवाइज करें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होगी आपकी वो कहलाएगी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मिनिमम क्या होगी, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगी आपकी ग्राफ की, फर्स्ट करेगा एंड में ये उसको आप ज़्यादा बढ़ा लें तो ये लोअर पॉइंट कहलाएगी आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। और इसी के अंदर अगर एक पॉइंट आपका ये आता है जिसके हाईएस्ट है, ठीक है, इससे हाईएस्ट नहीं है लेकिन क्या एक पर्टिकुलर एरिया में हाईएस्ट है, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। और इसी के अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो जो कि लोअर हो तो हम उसको बोलेंगे रिलेटिव मिनिमम, ठीक है। तो ये सिंपल्स में बताया गया है, देखें एक पॉइंट जा रहा है तो ये क्या एब्सोल्यूट हो गया मिनिमम, और ग्राफ जा रहा है तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। और अच्छा इसके अंदर है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होता है, अगर आप आगे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन वगैरह भी होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। उसमें क्या होता है, इसमें ये कह रहा है कि इसमें कोई ना कोई एक ना एक वैल्यू होगी, या तो मैक्सिमम की होगी या मिनिमम की होगी, दोनों भी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि आगे कैसे आएंगे ये भी हो सकता है कि कोई भी पॉइंट ना हो। तो वो ये कह रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में ये होगा कि कोई ना कोई एक वैल्यू होगी उसके अंदर, ठीक है, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या दोनों भी हो सकती है, पूरे थ्योरम में वो यही कह रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा सैडल पॉइंट क्या होता है, सैडल पॉइंट वो होता है, फर्स्ट कर रहे हैं ऊपर देखिए, अगर आप कुछ वैल्यू ऐसी हो सकती है जैसे कि ओरिजिन पे हो, जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सैडल पॉइंट, यानी कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना तो मैक्सिमम नॉ मिनिमम, यानी कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैडल पॉइंट, ठीक है। तो ये बताया गया। अब इसमें पूरे क्वेश्चन में अगर आप आगे जाएंगे तो ये थी थ्योरी, आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे के तीन जो लेक्चर है वो इसी के साथ है, तो आपने जरूर देखना है। पूरा मिड टर्म जो है वो तकरीबन 50% इसी में साथ है, एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट में भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसके अलावा जो है आप आगे आए, सबसे पहले आपको निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट,
तो क्रिटिकल पॉइंट अभी सिर्फ इसमें सिर्फ ये समझाने के लिए दिया हुआ है, अभी इसमें लेक्चर में है नहीं। तो सिंपल आप अभी आप देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालते कैसे हैं। देखिए आपको लिखा हुआ है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है आपको उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, हम पहले हम लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर हम लेते हैं वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे आ जाएगा 3x² 3ay। ठीक है, ये आपको आता है, एक्स ले लिया मैंने, वाई से ले लिया। अब क्या करूंगा मैं, आप इसको कर लूंगा 0 के इक्वल, इक्वेशन आई इसको 0 के इक्वल कर लूंगा, जैसे मैं वाई को भी 0 के इक्वल कर लूंगा। ठीक है, 0 से इक्वल करने के बाद सॉल्व करूंगा, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरे क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। यहाँ पर अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे फंक्शन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी मेथड जो आपको जो ऐसा लगे सॉल्व हो रहा था वो अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने किया हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, फिर हमें कोई पॉइंट किया ना तो हम पॉइंट लेके आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। आगे हम चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट किस तरह निकाल, आगे वाले लेक्चर में जो आपको बताया गया कि क्रिटिकल पॉइंट किस तरह से निकालते हैं। तो ये टॉपिक्स वगैरह अगर आप चाहें तो ये बुक में जरूर जाकर इसको देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो जाए। ओवरव्यू ऑफ लेक्चर, एक्सट्रीम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एक्सट्रीम मैक्सिमम मिनिमम क्या वेरिएबल थ्योरम क्या होता है, सारी आपको दिए मैं। इस पेज नंबर पर जाकर क्वेश्चन ये देख लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आसान। ठीक है, अगर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं एक नज़र, तो इसमें दिए लेक्चर नंबर 14 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप देख लें। ठीक है, ये आसान है, तो अभी आपको समझ में जाएंगे इसके आंसर दिए हुए। ठीक है, और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप देख लीजिएगा। अभी से भी थी थ्योरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है अगर इसको हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।